अब जैसे हम इस वक्त इस प्रोडक्ट पेज के ऊपर मौजूद हैं, तो जो लिंक हमने वहां पे अपनी एड कैंपेन के अंदर देना है वो ये है। अब इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे हम कप्स की कुछ प्रोफेशनल पिक्चर, कुछ इन्फॉर्मेशन, टाइटल, वीडियोस वगैरह डालते डालते अस्सलाम वालेकुम ऑल, इट्स एन ऑनर टू बी विद यू ऑल, विद ऑल द एंटरप्रेन्योर्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पीपीसी के बारे में। हमने मेजरली वर्किंग की थी, आज हम थोड़ा सा फेसबुक ओरिएंटेड, मैनी चैट और क्रिएटिंग ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में। यहाँ पे क्रिएटिंग ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में बेसिक नॉलेज है, क्योंकि वेबसाइट इज एन इनफिनिट थिंग, उसको जितना डेवलप करते जाए उतना काम है। तो वील शो यू हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट विद बेसिक स्टेप्स, बेसिक वेबसाइट, वन पेज वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है। वील गिव यू बेसिक नॉलेज ऑफ दिस प्रैक्टिकली इंशाल्लाह। और मैनी चैट को किस तरह हम प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं, वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, वील शो यू इंशाल्लाह। आज के हमारे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन है उसमें हमारे साथ राहील साहब हैं, एंड मिस्टर राहील विल शो हाउ यू कैन टारगेट एड कैंपेन्स, हाउ यू कैन टारगेट द राइट ऑडियंस और डायरेक्ट लिंक अमेजोन प्रोडक्ट की मार्केटिंग, डायरेक्ट लिंक मार्केटिंग। अच्छा जी, डायरेक्ट लिंक मार्केटिंग के बारे में हम लर्न करेंगे। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, तवज्जो से सुनिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है। नंबर वन, फर्स्ट कंसेप्ट ये कि आप अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली एडवर्टाइज कर सकते हैं। कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं? नाउ आई एम इमेजिनिंग कि मैंने अपना फेसबुक का एड कैंपेन बनाया, वीडियो अपलोड की या फोटोग्राफ अपलोड की, उसका टाइटल डाला, डिस्क्रिप्शन डाली, और फिर ये एड हमें किस लिंक की तरफ लेके जाएगा या किस तरफ, जो उसके अंदर हमने वेबसाइट की या जो लिंक की ऑप्शन देनी, इंफॉर्मेशन देनी है, उसकी जगह पे हमने अपना अमेजोन का लिंक डाल दिया। वो कौन सा लिंक था वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे मैं कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर रहा हूं, अब जैसे हम इस वक्त इस प्रोडक्ट पेज के ऊपर मौजूद हैं, तो जो लिंक हमने वहां पे अपनी एड कैंपेन के अंदर देना है वो ये है। सीधा सीधा इस यूआरएल के ऊपर आए, राइट क्लिक, कॉपी, और फिर डायरेक्टली पेस्ट इनटू योर एड कैंपेन इंशाल्लाह। अच्छा, ये हो गया हमारी डायरेक्ट लिंक मार्केटिंग। एक होती है हमारी लीड ओरिएंटेड मार्केटिंग, उस पे हम वेबसाइट को फनल की फॉर्म में फनल का फॉर्म देते हैं। अब फनल, फनल लफ्ज जो मैं यूज कर रहा हूं, जस्ट थिंक ऑफ अ पाइपलाइन, ठीक है जी। एक तरफ हमारे फिल्टर्स हैं, अब एक तरफ बड़ी पाइपलाइन है, देन इट स्क्वीजेस डाउन टू अ स्मॉलर पाइपलाइन, देन इट स्क्वीजेस डाउन टू फर्दर स्मॉलर पाइपलाइन, इन द मीन टाइम इट रीचेस द गोल। अब हमें अपनी ऑडियंस को रीडायरेक्ट करना है। अब हमारी वेबसाइट बनी, वेबसाइट के ऊपर हमारी प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, इस वेबसाइट के ऊपर आने वाली ऑडियंस और ट्रैफिक आ रही है, और मैनी चैट नीचे से ओपन हो रहा है, जिस तरह फेसबुक का मैसेंजर वेबसाइट्स में ओपन होता है, ठीक है जी। जैसा कि आसान एग्जांपल, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर्स वाली कंपनी है, amzsoftwares.com, अब ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है जी। इस वेबसाइट पे जैसे ही वेबसाइट हो रही है, ओपन हो रही है, तो ये पेज कुछ सर्विसेज सेल कर रहा है, अमेजोन के सॉफ्टवेयर है, राइट। अच्छा, जस्ट इमेजिन के हमारा ये पेज
ये मंचकिन मिरेकल ट्रेनर कप, ये इन कप्स को हमने बेचना है। अब इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे हम कप्स की कुछ प्रोफेशनल पिक्चर, कुछ इन्फॉर्मेशन, टाइटल, वीडियोस वगैरह डालते डालते, इन द मीन टाइम यहाँ पे रजिस्टर नाउ की जगह परचेज नाउ कर रहे हैं हम। वहाँ पे सब कुछ लिख रहे हैं कि आप US में डिलीवरी अवेलेबल है, UK में डिलीवरी, जहाँ जहाँ पे भी हमने वेयर हाउसेज में भेजा हुआ है, या हम खुद उसे वहाँ पे लोकल वेयर हाउसेज में अरेंजमेंट करके लोकल सेल्स कर रहे हैं, जो भी हमारा सिनेरियो है। परचेज नाउ पे क्लिक कर रहे हैं एंड देन दे आर गोइंग टू द अमेज़न्स सेल पेज, देन वो क्लिक करके इस पेज के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन इस पे क्लिक करना, डायरेक्टली कन्विंस होना 10, 1 out of 10 है, या वो भी मुश्किल होता है। उसके लिए उस बंदे को सपोर्ट चाहिए। अब जैसे सपोर्ट यहाँ पे डाउन राइट कॉर्नर पे आपको मैसेंजर का आइकॉन नजर आ रहा है, इसमें आप उनसे चैट कर सकते हैं। जैसे आप कस्टमर या क्लाइंट आया, ही हैज सर्टेन क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछ रहा है, हाय नीड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे वो क्वेश्चंस कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास जो इनकी सर्विसेज हैं, ये जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, हीलियम 10, तो मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा जवाब आ गया, डू योर सॉफ्टवेयर ऑल्सो हैव डाउन टाइम, विल दे वर्क। अब मेरे कुछ नेचुरल कंसर्न्स हैं। अब मैं अगर ये सॉफ्टवेयर्स ले रहा हूँ तो मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ कि कहीं ये चलते चलते स्टॉप तो नहीं हो जाते, या इनमें कोई वर्किंग प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर होता है तो फिर मेरे साथ क्या मामला होगा। डू योर सॉफ्टवेयर ऑल्सो हैव डाउन टाइम, विल दे वर्क विदाउट, अच्छा जवाब भी आ गया, विल दे वर्क विदाउट एनी एरर, और ठीक है जी, विल यू प्रोवाइड व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट विल यू प्रोवाइड इफ द सॉफ्टवेयर स्टॉप वर्किंग, हाउ Will you be able to help us? अच्छा जी, अब यहां पे हमारे कंसर्न्स हैं कि भाई आपके सॉफ्टवेयर में कोई एरर तो नहीं है, कंटिन्यूसली वर्क करते हैं। अगर वो वर्क ना कर रहे हो तो आप हमें किस तरह, कैसे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि पहले टाइप ऑफ सिनेरियो में मैं पूछूंगा अंजुम साहब को। अंजुम साहब आप बताइएगा कि इस सिनेरियो में और प्रीवियस सिनेरियो में क्या फर्क था, मतलब इधर मैं उनसे क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, कंसर्न्स ले रहा हूँ, और पहली स्ट्रेटजी में डायरेक्ट लिंक मार्केटिंग थी। अंजुम साहब बताइएगा, अंजुम साहब देखें इस स्टेज पे, इस पॉइंट पे आपकी इंट्रैक्शन बहुत बहुत जरूरी है, मेरी आपके साथ इंट्रैक्शन बहुत बहुत जरूरी है, तो काइंडली इसमें डिलेज ना किया करें। अंजुम साहब प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, आपको मैसेज आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। हाँ अच्छा, कामरान साहब बताएंगे जी। जी सर, जी आवाज आ रही? कामरान जी, वेलकम, आ रही है जी। अच्छा, पहले केस में सर वो जो रजिस्टर जहाँ पे हमने किया था उसमें और इसमें आप क्या कह रहे हैं, डिफरेंस क्या है? अच्छा, पहले केस में हम डायरेक्ट लिंक मार्केटिंग कर रहे हैं, हम अपने फेसबुक एड कैंपेन को चलाते हुए डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर रहे हैं। दूसरे जी सिनेरियो में हम वेबसाइट के थ्रू लेके जा रहे हैं उन्हें अमेज़न के पेज के ऊपर। सही, हाँ क्वेश्चन उसमें हम, हाँ उसमें हम ये कह रहे थे कि अपना लिंक जो है, अगर कोई ऐसी वेबसाइट है या कोई जहाँ पे हमने अपना लिंक पेस्ट कर देंगे, जहाँ जो भी हमारा प्रोडक्ट का लिंक है वो डायरेक्ट हम पूरा लिंक उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे।
और इस केस में हम अभी जो है वो अपनी वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर हमने कोई अपनी वेबसाइट बनाई हुई है तो उसकी तरफ हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। फायदे नुकसान, दोनों के फायदे नुकसान। मोहम्मद फारूक अयूब साहब, आप बताइएगा। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। जी सर, ये लिंक अगर हम फर्स्ट अगर करते हैं डायरेक्ट वेबसाइट के लिए, तो उसमें जो है हमारा अगर कोई जैसे क्लाइंट क्लिक करके अंदर वो आ जाएंगे क्लाइंट्स। और दूसरा अगर हम करते हैं उसके अंदर लिंक, तो वो पाइपलाइन के अंदर जैसा कि अभी आपने बताया। अच्छा जी, कौन बता सकते हैं इस वक्त क्या ऑब्जर्वेशन है किसकी? थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि टू द पॉइंट हिंट मिल जाए। थोड़ा सा हिंट मैं देता जाऊँ वो ये कि वेबसाइट के थ्रू उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आ रही है। किसी का कोई व्यू, कोई सिनेरियो हो इन दोनों सिनेरियो से रेलेवेंट। एक डायरेक्ट लिंक मार्केटिंग है जिसमें हम कैंपेन चला रहे हैं फेसबुक के ऊपर। हमारा इश्तिहार, हमारा एड फेसबुक पे शो हो रहा है। एड शो होते ही नीचे लिंक आ रहा है, लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, डायरेक्ट अमेजोन के पेज पे जा रहे हैं। दूसरी तरफ एड चल रहा है, हमारा एड चल रहा है, नीचे लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं। वेबसाइट पे वो हमसे चैटिंग कर रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहा है, देन वो अमेजोन के पेज पे जा रहा है। कौन सा तरीका कामयाब है? सर मेरे ख्याल में ये दूसरा तरीका ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इसमें हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक एक चीज़ के जो भी उसके कंसर्न्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं, और फिर हम उसको पहले हम डायग्नोज कर रहे हैं कि उसको चाहिए क्या, फिर हम उसको अपना सोल्यूशन पिच कर सकते हैं कि ये हम हमारे प्रोडक्ट है, परफेक्ट, बजाय बहुत इसके कि आप सिर्फ लिंक दे दें उसको, वो चीज़ उसको चाहिए हो ना हो। क्या पता हमारे पास 2-3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों, हम जो उसके रेलेवेंट प्रोडक्ट हो वो उसका लिंक दे दें उसको बिल्कुल उसकी नीड के मुताबिक। ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त। एक और चीज मिसिंग है। और क्या हो सकता है? और कोई चीज इनमें आ रही है? और इसमें ये होगा कि इसमें हम और भी उसको अपनी सर्विसेज या जो भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो भी पिच कर सकते हैं। उसमें तो सिर्फ एक टू द पॉइंट लिंक आप दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू कामरा साहब, बहुत शुक्रिया। सरमद खान साहब, माशाल्लाह जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, क्या हाल है, कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैं भी इसी पॉइंट को उठाना चाह रहा था। यही मुझे भी समझ में आया था जो भी ये कामरान भाई ने बताया कि अगर बंदा आके बात करेगा तो उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, क्योंकि ज़्यादा सेटिस्फाई जब होते हैं कस्टमर तभी वो आपकी प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं। अगर आप सिर्फ एक लिंक दे दो और उस पर जाके वो कहें ये देखेंगे जी यहाँ पे तो सिर्फ बाय नाउ का ऑप्शन है, तो वो जो आपके क्लिक्स हैं, वो आपकी जो इंगेजमेंट्स हैं, वो आपकी परचेज की तरफ बहुत कम जाती हैं। तो इस रेशियो को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम उनको चैट का ऑप्शन देते हैं, वो हमसे इंटरेक्ट करते हैं, हमसे वेरिएशंस के बारे में पूछते हैं कि हमारे पास क्या वेरिएशंस हैं, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। होता यह है कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि वो लेने कुछ आते हैं और लेके बहुत कुछ ले चले जाते हैं एक एक कस्टमर। सही। तो सर ये मेरा एक पॉइंट है, मैं क्योंकि मैं भी जो है ना बाइंग करता रहता हूँ ऑनलाइन, तो ऐसा ही होता है कि मैं लेने कुछ गया होता हूँ स्टोर में तो मुझे पसंद और चीज़ें आ जाती हैं जब उससे मेरी बात चल रही होती है। तो होता है ऐसा कि 500 हज़ार की कोई एक चीज़ उठानी है तो जी 5-6 हज़ार की चीज़ें उठा ली एक साथ, क्योंकि वो चीज़ें उस नीच की चीज़ें मेरी नीड में थी तो वो मैंने उठा ली। तो यही काम हम लोग भी कर सकते हैं कि जब हम ये सेकंड वाला ऑप्शन है ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से भी, कि जब हम चैट रखेंगे ना तो उसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं और वो हमसे ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि यार ये वेरिएशन नहीं, ये वेरिएशन क्या तुम्हारे पास मौजूद है। अगर हम उसको एक प्रोडक्ट है फॉर सपोज वो हम उसको रेड में शो कर रहे हैं एंड ही नीड्स इट इन ब्लू, तो वो हमसे आके पूछ सकता है कि यार ब्लू अवेलेबल है तो भिजवा दो मुझे, वरना अगर हम ये चैट का ऑप्शन ही नहीं रखेंगे तो वो देखेगा यार रेड में, ओ नो यार मुझे तो ब्लू में चाहिए था, चलो मैं किसी और से ले लूंगा। बिल्कुल तो सर मेरा ठीक।